गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम तक हम 6 केस स्टडी कर चुके हैं, आज हम 7th केस स्टडी करेंगे। देखिए 7th केस स्टडी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने कहा है, अ स्टूडेंट फिक्सेस अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक स्टूडेंट है, उसने एक वाइट पेपर की शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया। ही प्लेस अ बार मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ इट, और उसके सेंटर में, पेपर के सेंटर में उसने एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया। ही स्प्रिंकल्स सम आयरन फिलिंग्स, उसके बाद उसने कुछ आयरन फिलिंग्स को शीट के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया अराउंड द बार मैग्नेट। नेक्स्ट, देन ही टैप्स द बोर्ड जेंटली, उसके बाद उसने बोर्ड को जेंटली टैप किया। एंड ऑब्जर्व डैट द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। क्लियर है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट दिया हुआ है उन्होंने, उसने क्या किया, एक वाइट बोर्ड के ऊपर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर सॉरी, एक वाइट पेपर को क्या किया, फिक्स कर लिया। नेक्स्ट, इसके सेंटर पर उसने एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया और इसके अराउंड उसने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। और फिर उसने क्या किया, इसको टैप किया। टैप करने पे उसने देखा सारी की सारे आयरन फिलिंग्स जो हैं इस तरीके से अरेंज हो गई है, इस पैटर्न में क्या हो गई है, अरेंज हो गई है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होती है अराउंड अ बार मैग्नेट, उस तरीके से जो है सारी की सारी जो आयरन फिलिंग्स थी वो क्या करती है, मैग्नेट के अराउंड अरेंज हो जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इनसाइड द बार मैग्नेट द फीड लाइंस मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अवे फ्रॉम साउथ पोल, डी अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। देखिए, मान लीजिए आपको एक ये बार मैग्नेट दे रखी है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, वो बाहर की तरफ हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। क्लियर? मगर अंदर की तरफ वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी। क्लियर है? बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाती हैं और मैग्नेट के अंदर वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सी गलत है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्लियर है? तो पहला देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ कंटिन्यूस क्लोज कर्व। ये तो सही है बच्चों। मान लीजिए आपको एक बार मैग्नेट दे रखी है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमेशा क्लोज कर्व में बनती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हमेशा क्या होगी, क्लोज कर्व में ही फॉर्म होगी। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। अच्छा, अगर मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्लियर है? मान लीजिए ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये मैं कंसीडर करके लेट कर चल रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहोगे तो हम क्या करते हैं, जिस कर्व को ये पॉइंट फॉलो कर रहा है उस पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब देखिए, ये पॉइंट जो है दो कर्व के ऊपर है, तो इसका मतलब ये इस कर्व को भी फॉलो कर रहा है, इस कर्व को भी फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो पहले मैं इस पर टेंजेंट डालूंगा, फिर मैं इस पर टेंजेंट डालूंगा, तो इस पॉइंट की दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो कर रहा है। किस केस में, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो
तो एक मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस तो हो नहीं सकती हैं, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हमने कंसीडर की है ये गलत है, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्लियर है? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकी सही है। सी, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये भी सही है बच्चों, ये कहते हैं मान लीजिए कर्व है, क्लियर है? चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये आपको कर्व दे रखा है। अब वो कहते हैं इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट डाल देते हैं। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखिए फोर्थ में उन्होंने कहा है आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। इसमें उन्होंने कहा है कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो साउथ से नॉर्थ जाती है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। हाँ, इनसाइड द मैग्नेट वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो गलत है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है करंट कैरिंग हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर है? तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ हो गई, और ये बच्चों हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। अब वो कहते हैं अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आपको एक पावर लाइन दे रखी है, उसमें करंट जो है साउथ पोल से नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब वो कहते हैं द डायरेक्शन, अब आपको क्या करना है, ये जो पावर लाइन है इससे 0.5 मीटर ऊपर आकर आपको बताना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, क्लियर है? मैक्सवेल का, वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है, तो उसको हम क्या करते हैं अपने सीधे हाथ में इस तरीके से पकड़ते हैं ताकि थंब जो है किसकी डायरेक्शन शो करे, करंट की। तो इस केस में ये जो कर्व्ड फिंगर्स होंगी ये किसकी डायरेक्शन शो करेंगी, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो शो करेगी, क्लियर है? अब देखिए ये आपको एक वो दे रखा है कंडक्टर, इससे 0.5 मीटर ऊपर आना है, क्लियर है? अच्छा, तो अब ये वो पॉइंट है 0.5 मीटर ऊपर, किससे, कंडक्टर से। अब आपको बताना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, क्लियर है? अच्छा, करंट की डायरेक्शन तो बच्चों सेम रहेगी, तो हम क्या करेंगे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे अपने इसको राइट हैंड में पकड़ लेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे ताकि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा, क्लियर है? तो इस केस में ये जो कर्व्ड फिंगर्स हैं ये किसकी डायरेक्शन शो करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ है, देखो मेरी उंगलियाँ किधर खुल रही हैं, मेरी उंगलियाँ जो है ईस्ट की तरफ खुल रही हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ईस्ट। कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी एट ए पॉइंट विच इज 0.5 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, क्लियर है, क्या होगी, ईस्ट डायरेक्शन में होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज जो है आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हो। बार मैग्नेट का यूज हो जाता है, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट उसका भी हम यूज कर सकते हैं,
सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, उसमें भी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऑल ऑफ दिस मतलब हम तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ये तीनों की तीनों जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, डेट मीन्स इसका आंसर होगा डी पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। क्लियर है, पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्लियर सही है ये। नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं ऑप्शन हमारे करेक्ट है। क्लियर है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी होता है। क्लियर है, मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फोर्स दे रखी है तो एफ का क्या फॉर्मूला होता है, बी आई एल साइन थीटा, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, ये लेंथ ऑफ द वायर है। क्लियर है, थीटा वो एंगल होता है जिस एंगल पर करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। क्लियर है, तो ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, तो मैंने बस इसलिए बताया ताकि आपको पता लग जाए कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का भी हमारे पास कोई फार्मूला होता है। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें उन्होंने कहा है, इसमें कार्बन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है आपको, कार्बन और उसके एलोट्रॉप्स के बारे में। तो देखिए इसमें उन्होंने कहा है द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग प्रॉपर्टीज, इसमें उन्होंने कहा है जो कार्बन है ये नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है और जिनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाई कार्बन एटम्स, दोनों के दोनों डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो कार्बन के एटम से बने होते हैं। मतलब अगर आप डायमंड को स्टडी करोगे तो उसमें आप ये देखोगे उसके अंदर कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता है, और ग्रेफाइट को अगर आप देखोगे तो उसमें भी कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ये प्योर है, प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। सही, अगर आप कोल ले लेते हो, कोल में होता तो कार्बन है मगर उसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, तो उसको हम प्योरेस्ट फॉर्म एलोट्रॉप नहीं बोल सकते हैं, किसका, कार्बन का। मगर जो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं ये प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। क्यों, ये 100% कार्बन से ही बने होते हैं, बाकी कोई चीज इसके अंदर नहीं होती है, बाकी कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, देखिए ये दोनों होती तो प्योर फॉर्म कार्बन की है मगर इनमें डिफरेंस होता है कि कार्बन के एटम्स आपस में एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर कार्बन एटम्स हैविंग 3D रिजिड स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले हम डायमंड को पकड़ते हैं, सही, डायमंड में देखिए ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर कार्बन एटम्स हैविंग रिजिड 3D स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक कार्बन का जो एटम होता है बाकी चार कार्बन एटम के साथ जुड़कर एक 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू थ्री कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल एरे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन का एटम जो होता है वो दूसरे तीन कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है एक ही प्लेन के अंदर। क्लियर है, मान लीजिए एक प्लेन यहाँ पर है, दूसरा प्लेन यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक कार्बन का एटम बाकी तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसके नीचे जो प्लेन है वहाँ पर भी एक कार्बन का एटम बाकी तीन कार्बन के एटम के साथ जुड़ा होगा, इस प्लेन के और इस प्लेन के बीच में जो कार्बन होगा के बीच में जो फोर्स होगी वो फोर्स क्या होती है, वीक होती है। क्लियर है, अच्छा अब देखिए
इसके बाद इन्होंने कहा है फुलरेंसेस आर अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज C60। देखिए अब हमें तीसरा जो है फुलरेंसेस, सही है, तीसरा जो एलोट्रॉप है वो पढ़ना है कार्बन का। दो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तीसरा होता है फुलरेंसेस, और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। क्यों? बाकी दो भी प्योरेस्ट होती हैं मगर इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट ये होती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो फुलरेंसेस होते हैं इनमें कार्बन जो होता है किसी भी दूसरी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, वो आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। अच्छा अब देखिए, और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है फैमिली का, उसमें उसका फॉर्मूला होता है C60, मतलब उसमें एक साथ 60 कार्बन के एटम्स आपस में जुड़कर एक फुटबॉल की शेप बनाते हैं। क्लियर है? अब लास्ट लाइन देखिए, कार्बन फॉर्म्स लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स, अकेले कार्बन के जितने कंपाउंड्स होते हैं वो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स के लगभग बराबर या ज़्यादा होते हैं। मतलब हमारे वर्ल्ड में जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है द प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, क्या होता है ये? बग मिस्टर फुलरीन, सही, जो फुलरेंसिस थे उनका जो पहला मेंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बग मिस्टर फुलरीन बोलते हैं, और ये क्या होती है? प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी? कार्बन की। सेकेंड क्वेश्चन, डायमंड इज अ हार्ड, डायमंड इज हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। डायमंड के अंदर जो कार्बन के एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इस कारण क्या होता है? वो हार्ड होता है। अच्छा वेंडरवाल फोर्सेस जो होती है, वीक वेंडरवाल फोर्सेस, ये हमें किसमें देखने को मिलती है? ये ग्रेफाइट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है कार्बन का वो कितना होता है? 2.4, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4 होगी। वैलेंसी क्या होता है बच्चों? वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको कोई किसी भी एलिमेंट का एटम या तो गेन करता है, ये लूज करता है, या शेयर करता है इन ऑर्डर टू मेक इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, सही, सेम एज द नियरेस्ट नोबल गैस। क्लियर है? हर एलिमेंट के एटम की ये इच्छा होती है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की तरह हो जाए, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है, गेन भी करता है, शेयर भी करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? शेयर करता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों? 4 होगी। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू, कार्बन जो होता है, कार्बन के जो एटम्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्यों? कार्बन का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसमें केवल 2 ही शेल्स होती हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू, आपको बताना है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला, दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। दे हैव द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, नहीं, ग्रेफाइट जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, डायमंड तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी अलग होती है। ये आंसर बच्चों सही है, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। क्यों? दोनों के दोनों प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। क्लियर है? तो जो प्रॉपर्टी कार्बन शो करेगी वही प्रॉपर्टी ये भी शो करते हैं, वही केमिकल प्रॉपर्टी ये भी शो करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट जो केस स्टडी हमारे पास है ये ह्यूमन हर्ट से जो है रिलेटेड है।
तो देखिए इसमें उन्होंने कहा है, द ह्यूमन हार्ट इज एन ऑर्गन डेट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी वाई द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए ह्यूमन हार्ट जो होता है ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है, सही, थ्रू आउट द बॉडी, सही, किसके थ्रू, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू। अच्छा नेक्स्ट, सप्लाइंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई का काम भी इसी का ही होता है, न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज, सही है, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए हार्ट का मेन काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी, और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई हो जाती है, कहाँ पर, सेल्स में, सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो जाती है, किसके थ्रू रिमूव होती है, लंग्स के थ्रू, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो यूरिन की फॉर्म में वो किडनी के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट, अ हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड। अब देखिए हार्ट अटैक कब आता है, जब किसी भी कारण से ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट में क्या हो जाए, हैम्पर हो जाए, मतलब रुक जाए, क्लियर है। द ब्लॉकेज इज द मोस्ट ऑफन अ बिल्डिंग ऑफ फैट, कोलेस्ट्रोल एंड अदर सब्सटेंसेस विच फॉर्म अ प्लेक इन द आर्टरीज डेट फीड्स द हार्ट। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी कोई ब्लड की आर्टरी दे रखी है, क्लियर है, ये कोई ब्लड वेसल दे रखी है। अब अगर मान लीजिए आप खाना खाते हैं जो कि प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ज़्यादातर वो क्या होता है, हमारी ये जो आर्टरी के कोने पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे जैसे दांतों में प्लैक नहीं लग जाता, उस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, क्लियर है। अच्छा अब मान लीजिए यहाँ से जब ब्लड फ्लो करेगा तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो फैट है, कोलेस्ट्रोल है या दूसरे सब्सटेंसेस हैं, उसका कोई टुकड़ा अगर टूट कर यहाँ पर आकर गिर गया तो वो क्या करता है, फ्लो ब्लड को क्या करता है, थोड़े से टाइम के लिए या काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए क्या करता है, रोक देता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कई बार परमानेंटली भी रोक देता है, सही, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। अब देखिए द प्लेक इवेंचुअली ब्रेक्स अवे एंड फॉर्म अ क्लॉट, ये मैंने आपको बताई दिया, जो प्लेक होता है वो कई बार क्या होता है, जब ब्लड उसके पास से पास होता है तो वो टूट कर क्या होता है, फ्लो जो होता है ब्लड का उसको रोक देता है। द इंटरप्टेड ब्लड फ्लो कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय द पार्ट ऑफ द हर्ट मसल। अब अगर मान लीजिए हर्ट को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, सही, तो उस केस में क्या होता है, कई बार हर्ट की जो मसल्स होती हैं वो मर जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आ हार्ट अटैक ऑल्सो कॉल्ड अ मायोकार्डिनल इन्फ्रैक्शन, सही, इसे हम मायोकार्डिनल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं, और ये फैटल, मतलब इसे जान भी जा सकती है, बट ट्रीटमेंट हैज इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली ओवर द ईयर्स, मगर इसका जो ट्रीटमेंट है वो ओवर द ईयर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अब देखिए इसके कॉमन सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स जो है वो आप देख लीजिए, पहला प्रेशर, टाइटनेस, पेन, स्क्वीजिंग, एचिंग सेंसेशन इन चेस्ट और आर्म्स, नोजिया, ब्रेथ, कोल्ड स्वेट, फटीग, सडन डिजीनेस, ये सारे के सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, नॉट ऑल पीपल हु हैव हार्ट अटैक हैव द सेम सिम्टम्स। अच्छा जितने भी लोगों को हार्ट अटैक होता है उन सब के कभी भी कॉमन सिम्टम नहीं होते हैं और हैव द सेम सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स। सम हार्ट अटैक्स स्ट्राइक सडनली, कुछ हार्ट अटैक एकदम से आते हैं, बट मैनी पीपल हैव वार्निंग साइंस, मगर कुछ लोगों को पहले से ही वार्निंग साइंस मिलने चालू हो जाते हैं, एंड सिम्टम्स आर्स डेज और वीक इन एडवांस। कुछ एक को
घंटों पहले पता लग जाता है, कुछ एक को कुछ दिन पहले पता लग जाता है, कुछ एक को कुछ वीक पहले पता लग जाता है कि उनको हार्ट अटैक होने वाला है। क्लियर है? तो इसलिए जब भी आपको ऊपर लिखे हुई कोई साइन और सिम्टम्स आए तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड पम्प्स इन टू द आर्टरीज। हार्ट क्या करता है? उसमें वो ब्लड को रिसीव करता है थ्रू वेन्स और ब्लड को पंप कर कर बाहर भेजता है थ्रू आर्टरीज। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? टू कैरी डाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। सही है? तो ये काम किसका होता है बच्चों? काम होता है उसका ब्लड का। अच्छा इसका सेकेंड पार्ट देखिए, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस बैक इन टू द ब्लड। ये किसका काम होता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। तो ये तो हार्ट का काम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सी ऑप्शन में इन्होंने कहा है टू लुब्रिकेट द फूड फॉर स्वेलिंग एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये भी इसका काम नहीं होता, ये किसका काम होता है? सलाइवा का। सही। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकेंड क्वेश्चन पर इसके स्टडी की। इसमें उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला, ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए हमारा जो हार्ट होता है उसमें चार चैम्बर होते हैं, दो ऊपर होते हैं और दो नीचे, और बीच में एक वॉल होती है उसे हम बोलते हैं सेप्टम। वो क्या करता है? राइट साइड के हार्ट को लेफ्ट साइड के हार्ट से क्या करता है? सेपरेट कर कर रखता है। सही है? उससे होता क्या है, यहाँ पर हमारा जो राइट साइड का हार्ट होता है यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये सेप्टम की जो वॉल होती है ये क्या करती है? सेपरेट कर कर रखती है ऑक्सीजनेटेड और इधर डी ऑक्सीजनेटेड और उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उनको मतलब मिक्स होने नहीं देती है। बी पार्ट देखिए, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्ड इन टू द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। देखिए इसमें हमें यह बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। सही। अब देखो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमेशा हमारे राइट साइड का जो हार्ट होता है उसमें आता है। क्लियर है? तो ऊपर वाले तो ऑरिकल होते हैं जिनको सिंगुलर में हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट ऑरिकल मतलब राइट एट्रियम में आता है। क्लियर है? वहाँ से वो कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से वो बाहर निकलता है और कहाँ जाता है? लंग्स के पास। लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ से ऑक्सीजन पकड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को पकड़ा देता है और वापस फिर आता है कहाँ पर? लेफ्ट ऑरिकल मतलब लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से बाहर निकल जाता है और कहाँ जाता है? सेल्स के पास जाता है पूरी बॉडी की। सही। किसकी सप्लाई के लिए? ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन हार्ट अटैक सिम्टम्स। सही है? ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं आपको हार्ट अटैक में देखने को मिलते हैं, तो ये तो आप पैरा से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। देखिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होती है। वेन्स जो होती हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं ये थोड़ी थिन होती है और ये इनके कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं इनकी जो वॉल होती है ये भी पतली होती है, थिन होती है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है। क्लियर है? अच्छा आर्टरी क्या होता है? जो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है। वेन्स क्या होता है? जो ब्लड को हार्ट के अंदर लाता है। कैपिलरीज कौन होता है? कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं, तीनों की तीनों ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं। मान लीजिए कोई आर्टरी जा रही है किसकी तरफ? लंग्स की तरफ जा रही है, तो आर्टरी का साइज बड़ा होता है और लंग्स के अंदर जो एल्विओलाई होता है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। सही है? तो उससे